अच्छी कार स्पोर्ट्स कार है। अच्छा जी जी, और ये बहुत कम प्राइस में। अच्छा जी जी, ये 2011 का मॉडल है। सही है, ठीक है। सुपर चार्ज 2500 सीसी है। अच्छा सही है। स्पोर्ट्स मोड भी इसमें, इको मोड भी, और अंदर से आप देख सकते हैं बेस्ट इंटीरियर है। इसका इंटीरियर भी चेक कराते हैं नाजरीन के साथ। और सर ये एक मॉडल कौन सा है और डिमांड क्या कर रहे हैं इसकी, थोड़ा वो भी हमारे सर देख सकते हैं आप। इलेक्ट्रिक सीट्स में। अच्छा। और मल्टीमीडिया है और इसमें अपना एंड्रॉइड स्क्रीन है। अच्छा, मतलब बिल्कुल इसमें कोई किसी चीज की कमी नहीं है। और मैंने सोचा स्नो भी आप लोग देखें, क्वेटा की स्नो भी एंजॉय करें, और उसके साथ साथ जो कार्स की प्राइस है वो भी हम आप लोग साथ शेयर करेंगे। यार ये जो है टोयोटा की प्रियस है। अच्छा। और इसमें ये जो है जीएस है। अच्छा। जीएस के फुल सनरूफ होते हैं, मतलब ये जाली माली सारे चेंज होते हैं। अच्छा सही है। अंदर से सारे इंटीरियर इसका चेंज होते हैं। इसमें फिर हम लोग साथ एक दूसरी गाड़ी खड़ी है, ये फिर सादा है। अच्छा, ये सिंपल में। जी जी, सिंपल टोयोटा प्रियस है, ये भी हाइब्रिड है, सेम टू सेम है, सिर्फ इसमें सस्पेंशन में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, सस्पेंशन में फर्क। जी जी, सही है, ठीक है। सर ये 2 जीपी आपके पास खड़े हुए हैं, ये भी नॉन कस्टम है सर? जी जी, ये नॉन कस्टम पेड है। अच्छा जी जी, 94 मॉडल है। अच्छा जी जी, टोयोटा लैंड क्रूजर है। अच्छा, इसको बोलते हैं, मतलब मशहूर है, मुला उमर की गाड़ी। अच्छा, मुला उमर। मतलब शौकिया गाड़ी, मतलब शौकिया गाड़ी है, जीप है टोयोटा लैंड क्रूजर की, बहुत एंटीक, बहुत ही अच्छी जीप है। अच्छा सर, क्या डिमांड कर रहे हैं? और ये पेट्रोल में, डीजल में है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कितने सीसी है ये? ये जो 3000 सीसी है। सही है जी जी, और ये मैनुअल गियर में। सही है जी जी, 94 का मॉडल है। अच्छा 94 मॉडल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आप लोग देख रहे हैं मैं मार्केट रिव्यूज दे रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है नई नई चीजें आप लोग साथ शेयर करता रहूं। तो आज हम आए हैं ये दुबई मोटर वालों के पास, और आज हमारे साथ हैं ये अरबाब शामीर साहब। आज हम आप लोग साथ शेयर करेंगे नॉन कस्टम जो कार्स होती हैं उनकी डिटेल्स। और सबसे बढ़कर एक अच्छी बात यह है कि आज क्वेटा का मौसम आप लोग देख रहे होंगे, स्नो भी हो रही है। इस स्नो में आज हम आप लोग साथ एक कार्स का पैकेजेस शेयर करेंगे, और मैंने सोचा स्नो भी आप लोग देखें, क्वेटा की स्नो भी एंजॉय करें, और उसके साथ साथ जो कार्स की प्राइस है वो भी हम आप लोग साथ शेयर करेंगे। और आज हम आए हैं ये अरबाब शामीर साहब के पास। अरबाब शामीर साहब, आप ना हमारे नाजीन साथ आप लोगों का जो शोरूम है इसकी लोकेशन भी शेयर करें, और आपके पास कौन कौन सी कार्स होती हैं उनके बारे में भी बताएं। हमारे साथ तो मोस्टली बहुत सारी कार्स होती है, अभी हम लोग का स्टॉक खत्म हुआ है ना। अच्छा सही है, स्टॉक खत्म हुआ है, तो इंशाल्लाह नया स्टॉक आएगा, उसमें बहुत अच्छी गाड़ी हम लोगों की आ रही है। चलें ठीक है, नेक्स्ट टाइम विजिट आप करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ी। सही है। अभी सर ये जो अभी आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो नॉन कस्टम कार्स होंगी? जी जी, सारे नॉन कस्टम कार। सही है सर, ये कितना क्या बजट है, कितने से स्टार्ट हो रही है, प्राइसेस कितने तक जाएंगी? यार ये तकरीबन 6-7 लाख से स्टार्ट हो रहे। अच्छा, तकरीबन ये फिर आगे चलते जाओ बस। अच्छा, भाई करोड़ों तक भी जाता तक है, वो फिर किसी की बजट पे होता है। जी जी। तो सर अभी स्टार्ट क्राउन से लेते हैं सर? जी जी, क्राउन से लेते हैं। तो इसके बारे में सर बताएं, ये कौन सा मॉडल है क्राउन में? हाँ, क्राउन ये 2012 मॉडल है। अच्छा, 3500 सीसी है। 3500 जी, एथलीट है, सनरूफ वाली है। अच्छा जी जी, लेदर सीटों में। सही है, ठीक है। तो इसका इंटीरियर आए हम आप लोग साथ शेयर करते हैं। ये देख रहे हैं नाजरीन आप लोग, 3500 सीसी क्राउन लग्जरी कार में आता है ये भी। माशाल्लाह बहुत अच्छी कार है ये। आप लोग इसका इंटीरियर चेक करें, ब्लैक इंटीरियर आप है। इसका वुड चेक करें और इसके इंटीरियर चेक करें, इसमें फ्रिज, लेदर सीटें, इलेक्ट्रिक सीट्स, इको स्नो मोड, स्पोर्ट्स मोड भी है इसमें। अच्छा, और असल बात इसमें हाइब्रिड है। अच्छा हाइब्रिड है, सबसे बढ़कर बात यह है कि ये हाइब्रिड है। जी जी, 3500 सर ये क्या डिमांड करें, थोड़ा डिमांड हमारे नाजरीन साथ शेयर करें। सर ये डिमांड हम लोग कर रहे हैं 23 लाख रुपए। अच्छा 23 लाख रुपए। जी, 23 लाख। सही, इसका बैक आप दिखाएं, थोड़ा इसका रिव्यू करें नाजरीन के साथ। ये सर डिमांड क्या कर रहे थे सर आप? 23 लाख रुपए। 23 लाख। जी, वैसे अगर ओरिजिनल देखी जाए ये कितना? ओरिजिनल यार 12 मिलियन की होगी। 12 मिलियन। अच्छा, 1 करोड़ 20 लाख तक मिल जाएगी, लेकिन ये आप दे रहे हैं 23 लाख। 23 लाख, तो बहुत अच्छा बजट है नाजीन आप लोग देख रहे हैं। इसकी मजीद डिटेल लेने के लिए फिर भी इनका नंबर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर बात ये है आप लोग देख रहे हैं स्नो भी हो रही है क्वेटा में। स्नो में हम आप लोग साथ एक अच्छा सा प्यारा सा रिव्यू शेयर कर रहे हैं। तो अरबाब शामीर साहब आप हमारे साथ शेयर करें, इसके पास जो खड़ी हुई ये कौन सी है सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं। यार ये 2004 मॉडल की टोयोटा करोला है। अच्छा जी जी, आप 14 एनिवर्सरी है। सही है जी जी, और ये व्हाइट कलर में। सही है, एनसीपी नॉन कस्टम पेंट, 1500 सीसी है। 1500 सीसी जी जी। सर इसकी डिमांड हमारे साथ आप शेयर करें, आप आए इंटीरियर भी चेक करवाते हैं। सर ये डिमांड आप हमारे साथ शेयर करें। यार ये डिमांड हम लोगों ने रखा हुआ है इसके 14.5 लाख। 14.5 लाख। जी जी, 14.5 लाख हमने इसका डिमांड रखा हुआ है। गाड़ी फुल फ्रेश गाड़ी है।
अच्छा जी जी बिल्कुल फ्रेश गाड़ी आप लोग देख रहे हैं। बेच इंटीरियर में आप देख सकते हैं, बेच इंटीरियर प्लास्टिक पैक है। ये डिमांड भी अरबाब शामी साहब ने हमारे साथ शेयर की है, फिर भी इनकी डिटेल लेने के लिए आप इनसे राब्ता कर सकते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान से। और सर ये कहीं पे भी अगर किसी को चाहिए थी आप लोग डिलीवरियां भी दे रहे हैं? डिलीवरी सारे पाकिस्तान में इंशाल्लाह अवेलेबल है हम लोगों। अच्छा सही है ठीक है, फिर भी अगर कोई इसकी मजीद डिटेल लेना चाहता है तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। और इसमें सर पास में ये जो जीप खड़ी हुई आई थिंक या लैंड क्रूजर है, या इसके बारे में थोड़ा सर हमारे साथ शेयर करें, इसकी डिटेल दें हमें। यार ये टोयोटा का लैंड क्रूजर है। अच्छा जी जी, बहुत एंटीक है, इसको बोलते हैं चौंच वाला लैंड क्रूजर। अच्छा चौंच वाला जी जी, 8 सिलेंडर है। अच्छा जी डीजल है। सही है ठीक है, बहुत एंटीक गाड़ी है ये। एंटीक गाड़ी सर, ये कौन सा मॉडल है, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? यार ये 92 मॉडल है, इसका डिमांड हम लोग कर रहे हैं 20 लाख रूपए। 20 लाख रूपए जी जी, नॉन कस्टम। नॉन कस्टम पेड जी, ये भी कस्टम पेड तो सर कुछ एक्सपेंसिव होंगे, इस वजह से तकरीबन ये 50 से 55 लाख 60 लाख तक है। अच्छा कस्टम पेड जी जी, सही है ठीक है। तो नाजिन आप लोग देख रहे हैं इनके पास ये जीप वगैरह बड़ी गाड़ियां भी होती हैं, छोटी गाड़ियां 5-6 लाख से बजट इनका स्टार्ट है, तकरीबन फिर करोड़ों तक जाता है। इसकी मजीद डिटेल लेने के लिए अरबाब शामी साहब का नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। स्नो भी तेज होती जा रही है, कोशिश है जल्दी आप लोग साथ इसकी डिटेल शेयर करें और ये स्नो भी इंजॉय करें क्वेटा की। चलो चलते हैं आगे। तो नाजिन आप लोग देख रहे हैं हम आप लोग साथ कार्स की डिटेल शेयर कर रहे हैं। अरबाब शामी साहब इसके बारे में, ये ब्लैक में एक आप लोग पास खड़ी हुई, ये कौन सी कार यार? ये बहुत अच्छी कार, स्पोर्ट्स कार है। अच्छा जी जी, और ये बहुत कम प्राइस में। अच्छा जी जी, ये 2011 का मॉडल है। सही है ठीक है, सुपर चार्ज 2500 cc है। अच्छा सही है, स्पोर्ट्स मोड भी इसमें, इको मोड भी, और अंदर से आप देख सकते हैं इंटीरियर है। इसका इंटीरियर भी चेक कराते हैं नाजरीन के साथ। और सर ये एक मॉडल कौन सा है और डिमांड क्या कर रहे हैं इसकी, थोड़ा वो भी हमारा सर देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक सीट्स में। अच्छा, और मल्टीमीडिया है, और इसमें अपना एंड्रॉइड स्क्रीन है। अच्छा, मतलब बिल्कुल इसमें कोई किसी चीज की कमी नहीं है। ये हम लोग नाजरीन को दे रहे मतलब आपकी यारी दोस्ती की वजह 13.5 लाख रूपए। 13.5 लाख बहुत जी, अच्छा बजट है जी सर जी। अगर ये ओरिजिनल देखी जाए तो कितने? अगर ओरिजिनल हो जाए यार ये तकरीबन 80 से 90 लाख रूपए। अच्छा, ये 13 लाख आप डिमांड कर रहे हैं, तो नाजिन आप लोग देख रहे हैं अच्छा पैकेज बचा हुआ है हम लोगों से। अच्छा सही है ठीक है, ब्लैक कलर में है। हाँ जी, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर के शौकीन देखे। और पीछे आए इसका जो है ना, हम आप लोग साथ शेयर कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी प्यारी कार है मार्केट में इसकी। फिर भी अगर मजीद डिटेल या डिमांड के लिए जो ना आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो नॉन कस्टम कार्स के हवाले से है। सर ये 2 जीप भी आपके पास खड़े हुए हैं, ये भी नॉन कस्टम ही है सर? जी जी, ये नॉन कस्टम पेड है। अच्छा जी जी, 94 मॉडल है। अच्छा जी जी, टोयोटा लैंड क्रूजर है। अच्छा, इसको बोलते हैं मतलब मशहूर है मुला उमर की गाड़ी। अच्छा मुला उमर मतलब शौकिया गाड़ी, शौकिया गाड़ी है, जीप है टोयोटा लैंड क्रूजर की, बहुत एंटीक बहुत ही अच्छी जीप है। अच्छा सर क्या डिमांड कर रहे हैं है, और ये पेट्रोल में डीजल में है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कितने सीसी है ये? ये जो 3000 cc है। सही है जी जी, और ये मैनुअल गियर में। सही है जी जी, 94 का मॉडल है। अच्छा 94 मॉडल है जी जी, 1KZ। सही है ठीक है, ये डिमांड आपने बताई सर? जी जी 18 लाख। 18 लाख सही है, फिर भी अगर कोई आपसे डिटेल लेना चाहे तो बेहतर आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। उसके साथ सर ये खड़ी हुई इसके बारे में, ये भी बहुत शौकी जीप है, शिकारी जीप है। अच्छा जी जी, रेंगलर कंपनी का जीप कंपनी का रेंगलर जीप है। सही है जी जी, ये 94 का मॉडल है। सही है जी जी, इसमें जो फ्रेम रखा हुआ है, सही मतलब CJ7 का फ्रेम रखा हुआ है, तो ये गाड़ी ओरिजिनल है। अच्छा ओरिजिनल है जी, सही जी जी। ये क्या डिमांड कर रहे हैं वैसे सर? यार इसके हम लोग दे रहे मतलब फाइल माइल बुक मुकर चीज के साथ 18.5 लाख। 18.5 लाख चलें ठीक है, 3500 cc है। ओके, पेट्रोल इंजन में। अरबाब शामी साहब इसके बारे में बताइए, कौन सी कार है? यार ये जो टोयोटा की प्रियस है। अच्छा, और इसमें ये जो GS है। अच्छा, GS के फुल सनरूफ होते हैं, मतलब ये जाली माली सारे चेंज होते हैं। अच्छा सही है, अंदर से सारे इंटीरियर इसका चेंज होते हैं। इसमें फिर हम लोग साथ एक दूसरी गाड़ी खड़ी है, ये फिर सादा है। अच्छा, ये सिंपल में जी जी, सिंपल टोयोटा प्रियस से, ये भी हाइब्रिड है, सेम टू सेम है, सर्विस में सस्पेंशन में थोड़ा सा फर्क है। अच्छा सस्पेंशन में फर्क जी है जी जी, सही है ठीक है। सर वैसे अगर डिमांड को देखा जाए तो इनमें प्राइसेस का फर्क होता है सर? सर प्राइसेस के इसमें फर्क है, मतलब ये एक्सपेंसिव कौन सा, ये होता है या इसमें ये इसमें GSE एक्सपेंसिव? अच्छा सही है, तो ये कितने का है और ये कितने तकरीबन क्या डिमांड? तकरीबन सर ये मिल जाते हैं 20 लाख की। अच्छा, और ये मिल जाएगी आपको
पंद्रह साढ़े पंद्रह लाख। अच्छा डिफरेंट है, मतलब पाँच छह लाख का। पाँच लाख, अच्छा सही है, ठीक है जी, जी। इसकी फिर भी मजीद डिटेल लेने के लिए कोई भी आपसे रब्ता कर सकता जी, है जी, जी, जी। तो सर इसके बाद आते हैं ये सर उसमें है होंडा में, होंडा में जी, जी। अच्छा ये भी बहुत शौकिया गाड़ी, सर इसके बारे में थोड़ा बताएं। यार ये 2015 की मॉडल है। अच्छा जी जी सही है, और ये भी हाइब्रिड है, हाइब्रिड में जी जी, होंडा एकॉर्ड है। सही है ठीक है। तो नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं आज की जो हमारी वीडियोस हैं ऑल ओवर, ये आप लोग देख रहे हैं पीछे ये सारी इनके पास जो है ना नॉन कस्टम में खड़ी हुई है ऑक्शन के लिए सर खड़ी जी जी, ऑक्शन के लिए खड़ी। इनकी डिटेल लेने के लिए आप इनसे रब्ता करें, स्नो ज्यादा होती जा रही है, सर्दी ज्यादा है, मजीद जो है ना डिटेल लेने के लिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। वैसे कम से कम जो बजट है ना इनके साथ तकरीबन 5-6 लाख से कार स्टार्ट हो रही है, आप कह रहे थे फिर करोड़ों तक जाती है। इससे बेहतर ये है कि आप इनसे रब्ता कर लें, इनका नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। उसमें सर आखिर में जो है ना आप लोगों की जो लोकेशन है जी जी। वो थोड़ा आप हमारे साथ शेयर करें ताकि कोई अगर पर्सनल विजिट करना चाहे। हमारी लोकेशन जो है वो गूगल पे भी आपको, गूगल मैप पे भी आप मिल जाए, सिर्फ आप उधर सर्च कर सकते हैं दुबई शोरूम, दुबई मोटर गूगल मैप पे। और ये हमारा लोकेशन है डबल रोड अरबाब शर्मा टाउन नियर जान इंटीरियर। सही है, इसमें मजीद आपके लिए आपके पास वैसे भी और ज्यादा स्टॉक भी आता रहता है जी जी, आपकी इंशाल्लाह आगे भी डिटेल शेयर करेंगे नाज़रीन के साथ, इंशाल्लाह आपके पास आपके साथ भी एक अच्छा ताल्लुक बनेगा। बाकी ऑल ओवर पाकिस्तान में कहीं पे भी अगर किसी को जो कार चाहिए थी आप लोग डिलीवर कर देते हैं जी, कर देंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग देख रहे हैं नाज़रीन इससे बेहतर चांस और क्या हो सकता है, ऑल ओवर पाकिस्तान में अरबाब शामिल साहब कह रहे हैं कि ये डिलीवर करा देंगे कोई भी कार आप लोगों को चाहिए थी। तो ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी मेरे चैनल ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, उसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है वहाँ मुझे फॉलो करें, और टिकटॉक पर भी आजकल हम एक्टिव हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसकी मज़ीद डिटेल लेने के लिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, इसका नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इनकी लोकेशन भी मैं शेयर कर दूँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहें, मिलेंगे आप लोग साथ नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाज़त, सर्दी बहुत ज़्यादा है, स्नो ज़्यादा होती जा रही है। मिलेंगे आप लोग साथ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।